सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग कमल सिंह वाल्मीकि अपने एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। यहां कमल सिंह पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोग भी अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए कमल सिंह वाल्मीकि से मिलने के लिए पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि लंबे समय से सफाई कर्मचारी काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी अपना कार्य करते हैं उन्हें सफाई करने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं दिए जाते। वहीं कई लोग सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त भी हुए हैं, लेकिन वह आज तक सफाई का कार्य नहीं करते और बिना किसी कार्य के वेतन पा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जांच कराकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी कीमत पर इस तरह का व्यवहार सहन नहीं होगा। मेरे द्वारा तत्काल ऐसे मामलों को देखा जा रहा है और उसमें जांच कराकर मेरे द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी कराई जाएगी। मैं कर्मचारियों की समस्या जानने के लिए आया हूँ और मेरे आने का उद्देश्य यही है कि सफाई कर्मचारियों की जो मूलभूत समस्या है उनका निराकरण आज हो जाए, क्योंकि पूर्व में जो पिछली सरकारें रही हैं उनकी वजह से सफाई कर्मचारियों का जितना होना चाहिए था उत्थान उतना नहीं हो पाया है। अब आदरणीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार है, इसमें सफाई कर्मचारी को सम्मान भी मिलेगा और सत्कार भी मिलेगा। अच्छा, प्राय देखा गया है सफाई कर्मचारियों को गटरों में उतार दिया जाता है बिना किसी उपकरण के, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया, क्या कारण? इसमें अभी बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम मिले हैं और उसमें जो सफाई कर्मचारी था वो कुशल की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके बाद फिर कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, क्योंकि बगैर किट के बगैर उपकरणों के कोई उतार नहीं सकता है फिर उनको। अच्छा, और भी कई समस्याएं जो व्याप्त हैं, उस ओर कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल योगी जी की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सफाई कर्मचारियों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके सामने आएंगे। और मैं निवेदन करूँगा पत्रकार बंधुओं से कि कोरोना काल में जिस तरह आप लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने और सफाई कर्मचारियों ने जितना सहयोग दिया, अपनी जान पर खेलकर आपने हमारे शहर के लोगों की जो मदद की है उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। अच्छा, कुछ कर्मचारियों की शुरू से मांग रही है कुछ कच्चे में जो और पक्के का जो रहता है वो कब तक चलते रहेगा, ये जो वो परमानेंट होना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं? उसमें अभी जो ज्ञापन दिया है नगर विकास मंत्रालय जी, गए हम लोग मिले हैं, उसमें मांग है और ये जो जितने कर्मचारी हैं कच्चे वाले ये पक्के हो जाएंगे और उसमें अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सवर्ण जाति में आते हैं लेकिन नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं, क्या कारण रहता है उसका? वो तो कार्य करेंगे, अगर सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्ति है तो उनको सफाई का ही कार्य करना पड़ेगा। और अगर ये मेरी आप प्रश्न पूछते बैठक के बाद तो नहीं, बैकलॉग की बात, बैकलॉग कर्मचारी नहीं, बात ना, वो बाबू बन के उनको बाबू बना दिया गया। सफाई कर्मचारी पद पर है तो सफाई कर्मचारी का कार्य ही करना पड़ेगा, मैं बैठक लेने इसीलिए आया हूँ। नहीं सर, इसमें पहले भी काफ़ी समय से लंबा और बहुत लंबे समय से मामला चला रहा है और अभी मैं बात करूँ नगर निगम क्षेत्र की तो नगर निगम मथुरा नगर निगम में करीब 37 ऐसे कर्मचारी जो बैकलॉग से हो गए। बाबू समस्त नगर पालिका के अधिकारी बुलवाए निगम के यहाँ पर, आप मुझे लिस्ट दीजिए, तत्काल प्रभार आपके सामने कार्रवाई होगी। चलो ठीक है, बंद क्या कहेंगे, आज अभी मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा इन्होंने, क्या मामला हुई है? उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल वाल्मीकि आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और करना भी चाहिए, सरकार का दायित्व है कर्मचारियों की जो समस्या है। हम यूनियन की तरफ से बार बार निवेदन और ज्ञापन और आवेदन करने के बाद ये महसूस होता है कि नगर निगम का जो प्रशासन है वो बिल्कुल निठारा निकम्मा हो गया। चूँकि यह बैकलॉग का आपने प्रश्न पूछा था, बैकलॉग के मुद्दे पर बराबर सालों से हम, इतनी मोटी फाइल है, बैकलॉग कर्मचारी काम पे आए इसका निवेदन जिला प्रशासन से, नगर पालिका पूर्व में नगर पालिका रही उससे करा और अब नगर निगम के प्रशासन से बार बार यही हमारा प्रश्न रहता है कि 136 बैकलॉग कर्मचारी बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे हैं, नहीं वरुण जी उसमें अगर बात करूँ, वरुण जी उसमें अगर बात करूँ तो उसमें हाई कोर्ट तक का पूरा एक संज्ञान में था और यहाँ पे पूर्व में नगर आयुक्त भी रह चुके हैं उस समय जब एडीएम थे जी, तो उसमें शासन को भी गुमराह किया गया, उस पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई है? शासन की मंशा, पिछले शासन की मंशा हो या इस शासन की मंशा हो, आदेश हुआ कि बैकलॉग का सफाई कर्मचारी काम पे आए वरना उसका वेतन काटा जाए और इसमें रिट दाखिल हुई, लेकिन वो तो आज की डेट में बाबू हाईकोर्ट ने कहा
कि काम नहीं तो दाम नहीं। सफाई फोर्थ क्लास के कर्मचारी, सफाई में भर्ती हुआ बैकलॉग कर्मचारी आज ऑफिस में बाबू का काम कर रहा है, ड्राइवर का काम कर रहा है, माली का काम कर रहा है, कंप्यूटर का काम कर रहा है, और तो और पार्षद और बड़े बड़े अधिकारियों में यहाँ भैंस नहलाने का, गैया दुलाने का काम कर रहा है। तो ये वाल्मीकि साथ समाज के साथ कुठाराघात। एक प्रश्न और कह दूँ मैं पत्रकार साथियों से कि वर्तमान में जो स्थिति है, एक हमारे यहाँ डूडा के कर्मचारी लगे, डूडा के कर्मचारियों से यहाँ जनपद के प्रशासन के लोगों ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनसे पैसे लेके भर्ती किया गया, 20-30 हज़ार रुपये लेकर भर्ती किया गया, उनका वेतन टेंशन नहीं है। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी जो है कहा था कि भाई इन लोगों का वेतन टाइम से बांटा जाए, तो अभी कभी कभी 30 तारीख हो जाए, पिछले भी जो है दिसंबर में 30 तारीख को वेतन बटा। आखिर क्या हो क्या रहा है, कर्मचारी जाएगा कहाँ? ये उत्पन्न की श्रेणी में आता है। मंत्री जी आए वार्ता कर रहे हैं और हमारी समस्याओं पर माननीय मंत्री जी सहमत भी हैं और उन्होंने कहा है, हमको आश्वासन दिया है कि जो हमने प्रार्थना पत्र दिया उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी तमाम आज देख लीजिए कि पिछले शासन से लेकर आज तक एक भर्ती नहीं हुई है, संध्या की भर्ती होनी चाहिए थी। कर्मचारियों पर भारी बोझ डाला जा रहा है, कर्मचारी एक एक कर्मचारी से 3-3 कर्मचारियों का काम लिया जा रहा है। वर्तमान में कुंभ लग रहा है, कुंभ में कहाँ से आ रहे कर्मचारी, सारे कर्मचारी वही रोंदे जा रहे, रगड़ाई करी जा रही है कर्मचारियों की। हम तो देख रहे हैं, हमने लोकल आदमी है, तो मेरा आयोग के सदस्य जी आए, निवेदन है सरकार से और सरकार के लोगों से कि इनका जो है देखभाल करी जाए, कर्मचारी को टाइम से भर्ती नहीं है, पेंशन वाले पर भटक रहे हैं। 30-30 फाइल विलम्ब में, एक एक दिन की लगाओगे तो वैसे 100 फाइल करीब विलम्ब में, जिनको पेंशन नहीं मिली, जिनने अपनी जीवन शैली पूरा जीवन जो है सफाई कर्मचारी को उसमें काट दिया, मगर आज उनको जो है कहीं उनको पेंशन ही नहीं मिल रही, बहुत लोग ऐसे उनको पेंशन नहीं बन रही अभी तक। निवेदन है ये पीड़ा।